मित्रों, काफी समय से प्रतीक्षित और बीच में एक दिवस ऐसा भी आया था कि कार्यक्रम होने को था, लेकिन किसी वजह से उस दिन नहीं हो पाया। आज देवेंद्र जोशी जी के प्रयास से ये कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें कोई त्रुटि रह जाए तो आप उस पर ध्यान न दें। यहाँ मैं एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से जन्मा, जिसने बाद में जाकर के नाम अपना जगदीश बेनाम रखा। स्थिति ने आगे पढ़ाई अपनी जगह रही, पढ़ाई के अंदर मास्टर डिग्री कॉमर्स में लेने के बाद प्रबंध में डिप्लोमा का कार्य किया, लेकिन साथ साथ एक साहित्य विधा ईश्वरीय कृपा से माँ सरस्वती ने मुझे दी, और उसी में काफी काव्य लेखन किया, और साथ में काव्य कुंज जैसी संस्था टोंक में साहित्यकारों के सहयोग से सतत चलाई। इस यात्रा के अंदर मुझे काफी प्रोत्साहन मिला। एक प्रोत्साहन मुझे भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन साहब ने भी दिया। उन्होंने मेरी काव्य रचना को काफी सराहा। वही काव्य रचना आज मैं आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसका शीर्षक हम एक हैं। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेरणा और उस समय के जो भाव था उसके अनुसार मैंने इस रचना को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कहने वालों के इरादे नेक नहीं हैं, और कौन कहता है कि हम एक नहीं हैं? कहने वालों के इरादे नेक नहीं हैं, कौन कहता है कि हम एक नहीं हैं? जाति रंग हजारों, भाषाएं कई हैं। जाति रंग हजारों, भाषाएं कई हैं। विभिन्नता में एकता यहीं पर रही है। विभिन्नता में एकता यहीं पर रही है। सतरंगे हैं हम मगर अनेक नहीं हैं। कौन कहता है कि हम एक नहीं हैं? हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई, हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई, रहते हैं सभी मिलके जैसे हो भाई भाई। हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई, रहते हैं सभी मिलके जैसे हो भाई भाई। हिंदी हैं, हिंदू वतन है, कोई भेद नहीं है। कौन कहता है कि हम एक नहीं हैं? धर्म की आड़ में आतंक नहीं चलने देंगे। धर्म की आड़ में आतंक नहीं चलने देंगे। किसी भी कीमत पर अमन नहीं बिकने देंगे। किसी भी कीमत पर अमन नहीं बिकने देंगे। वतन के दुश्मनों में विवेक नहीं है। कौन कहता है कि हम एक नहीं हैं? देशद्रोहियों को उखाड़ फेंक देंगे। देशद्रोहियों को उखाड़ फेंक देंगे। गद्दारों को खाली स्थान नहीं देंगे। गद्दारों को खाली स्थान नहीं देंगे। आन में देश की कोई विशेष नहीं है। आन में स्वदेश की कोई विशेष नहीं है। कौन कहता है कि हम एक नहीं है? बेनाम वतन के हैं, वतन है हमारा। बेनाम वतन के हैं, वतन है हमारा। अपना वतन हमें है प्राणों से भी प्यारा। बेनाम वतन के हैं, वतन है हमारा। अपना वतन हमें
है प्राणों से भी प्यारा, प्राणों से बढ़कर कोई भेंट नहीं है। कौन कहता है कि हम एक नहीं है, कहने वालों के इरादे नेक नहीं है। कौन कहता है कि हम एक नहीं है। इसी पर ये कविता मैंने 19 नवंबर को राष्ट्रपति महोदय आर वेंकटरमन साहब को भेजी थी। उन्होंने अपने कार्यालय से 24 नवंबर 1987 को प्रत्युत्तर में मुझे लिखा, आपका दिनांक 19 नवंबर 1987 का पत्र प्राप्त हुआ, उसमें अंकित काव्य विचारों के लिए धन्यवाद स्वीकारिए। आपकी राष्ट्रीय भक्ति सराहनीय है। मैं गदगद हुआ महामहिम का पत्र प्राप्त कर। इसके बाद विभिन्न रस हैं काव्य के, और उन रसों में भीगी हुई कई रचनाएं बनी और उनको कई काव्य मंचों पर मैंने जब भी जहां मौका मिला प्रस्तुत किया। ऐसी ही एक छोटी सी रचना पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं, यही प्यार है। प्यार इंसान के लिए वह आदर्श है जिससे वह अपनी जिंदगी जीता है। प्यार के बिना जीवन हमेशा अधूरा रहता है। तो देखिए मेरे शब्दों को, यही प्यार है। बीज से अंकुर निकल जब पौधे बने, तेज धूप से सपने मुरझा गए। बीज से अंकुर निकल जब पौधे बने, तेज धूप से सपने मुरझा गए। पंखुड़ियां हरी से पीली हुई फिर हवा में सूख कर उड़ गई। पंखुड़ियां हरी से पीली हुई फिर हवा में सूख कर उड़ गई। अब प्यार की डालियां भी सूखती है सूख कर जल जाने के लिए। अब प्यार की डालियां भी सूखती है सूख कर जल जाने के लिए। यही प्यार है पल भर खो जाने के लिए, या बेनाम उम्र भर तड़फाने के लिए। यही प्यार है पल भर खो जाने के लिए, या बेनाम उम्र भर तड़फाने के लिए। ऐसी कई प्रेरणा के स्रोत मेरे आदरणीय डॉक्टर चातक साहब और हिंदी के करीब करीब सभी व्याख्याता मेरी प्रेरणा के स्रोत रहे। उन्होंने मुझे समय समय पर, एक कॉमर्स का विद्यार्थी होते हुए भी, ऐसी प्रेरणाएं दी कि मैं क्या लिखा और कैसे लिखा आज खुद आश्चर्यचकित हूँ कि ये रचनाएं मैंने रची तो कैसे रची। लेकिन जो भी बना और सबके सहयोग से बना, परिवार का सहयोग अपनी जगह रहा। इसी बीच में एक बार पुनः मैं आपको एक छोटा सा वृत्तांत बताता हूँ कि उस समय सोवियत रूस से मेरा कुछ लगाव विशेष रहा और मैंने सोवियत कहानीकारों की रचनाओं को उकेरा और उनको काव्य रूप में परिणित किया। वो सारी रचनाएं तो मैं यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनके नाम आपको बताता हूँ। सब कुछ इतना सुंदर क्यों, उड़ी उड़ती उड़ती नन्नी मैना, भोज फुनगी पर जा बैठी, लगी खुशी से चह चहाने, सब कुछ इतना सुंदर क्यों। तो एक रचना तो मेरी ये थी। दूसरी उनकी कहानीकार की कहानी थी, किसकी अधिक जरूरत, उसको भी मैंने काव्य में रूपांतरित किया। उसके बाद कौन जगाता है नदी को, इस कहानी को रूपांतरित किया। फिर चला जहाज,
यदि किसी लेखक की कहानी थी जिसे मैंने काव्य में रूपांतरित किया, ऐसे कई कहानियां जो सोवियत रूस की थी वो मैंने काव्य में रूपांतरित की, और यहाँ तक कि सोवियत रूस के कार्यालय से मुझे पत्र प्राप्त हुए और उन्होंने मेरे काव्य को सराहा। ये सब कार्यक्रम चलते रहे, इसके बाद भी मेरा कार्य रुका नहीं, और जैसे जैसे मेरे मार्गदर्शन में लोग आते रहे और मुझे मार्गदर्शन देते रहे, मैं काव्य रचनाएं लिखता रहा। एक रचना मैंने हास्य के रूप में भी लिखी जिसका शीर्षक है कविता का भूत। अब ये भी कोई रचना हो सकती है, लेकिन उस समय परिस्थितियां ऐसी ही बनी कि मैं काव्य में इतना डूबा हुआ था कि शायद परिवार को ध्यान न दे पाया हो, तो उसी की प्रेरणा से इस कविता का जन्म हुआ। एक कवि को बीबी ने झाड़ा, एक कवि को बीबी ने झाड़ा, उसके संकलन को फाड़ा, बोली कविता से प्रेम करते हो, रचना पर क्यों मरते हो, कविता रचना कल्पना के चक्कर में मत पड़ना, अब भविष्य में कभी ऊंची उड़ान मत उड़ना, बेचारा बीबी की लताड़ से इतना अधिक डर गया है, सुना है उसके दिमाग से कविता का भूत उतर गया है। तो ये एक हास्य रूप में थी। दीदी कई विधाएं हैं काव्य की, और जहां तक मुझे ज्ञात है मैंने करीब करीब सभी विधाओं को छूने की कोशिश की, सफल हुआ ना हुआ ये तो सब आप लोगों पर निर्भर करता है, क्योंकि श्रोता के बिना काव्य रचनाकार की कोई मौलिकता नहीं होती। ऐसी ही फिर कई रचनाएं हैं जिनमें से एक रचना मैंने धूम्रपान पर भी लिखी। धूम्रपान में शिक्षा भी है, और बस में जब हम चलते हैं तो हर बस पर लिखा हुआ रहता है धूम्रपान वर्जित है, तो धूम्रपान वर्जित शीर्षक बीड़ी पीता यात्री ने। मैंने कहा था कि मैं राजस्थान में भी कविताएं लिखता हूं, तो वही यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बीड़ी पीता यात्री ने कंडक्टर टोक कर बोलियो, बीड़ी पीता यात्री ने कंडक्टर टोक कर बोलियो, धूम्रपान वर्जित भाई मत बाड़े खुद को खोलियो, धूम्रपान वर्जित भाई मत बाड़े खुद को खोलियो, यात्री झट फूंक खींच धुआं गटक समझावा लाग्यो, अरे बीड़ी पीवा को मजो देख झट मारो ते शनाग्यो, यात्री झट फूंक खींच धुआं गटक समझावा लाग्यो, अरे बीड़ी पियो पीवा को मजो देख झट मारो ते शनाग्यो, कि बीड़ी देवे दम दिलासा सब पीवे फुर्ती ताई छे, और बड़े कार जो तो मारो थाने मतलब काई छे, बड़े कार जो तो मारो थाने मतलब काई छे। ये एक छोटा सा इस रूप में हास्य भी है, व्यंग भी है, और राजस्थान निकावे के से मेरी नजदीकियां बताता है। इन सब रचनाओं के अलावा कुछ विशिष्ट रचनाएं जो समय के अनुसार मेरी प्रेरणाओं ने मुझे लिखने के लिए बाध्य किया और मैं लिखा। एक राजस्थानी गीत, और वो है टोंक के ऊपर आधारित। जब से मैं यहाँ टोंक में आया हूँ, करीब करीब 70 से यहाँ पर हूँ, बीसलपुर मेरा ननिहाल है, वहीं मेरा जन्म हुआ, और
वहीं से आगे बढ़कर टोंक तक पहुंचा। टोंक कॉलेज में मैंने शिक्षा की। एमकॉम व्यवसाय प्रशासन में मैंने पूर्णता हासिल की और उसके बाद में प्रबंध में डिप्लोमा किया। तो यहाँ तो इससे बड़ी समस्या जो आज भी समस्या ही है वो है रेल। रेल की समस्या को मैंने मेरे शब्दों में इस तरह से उकेरा और कई मंचों पर इस रचना को मैंने प्रस्तुत किया और यहाँ के लोगों ने सराहा। रचना है, हवेली सजनी चौक में जाने कद सी रेल, अरे जाने कद सी रेल बावड़ी, जाने कद सी रेल आवेली सजनी टोंक में जाने कद सी रेल, सागे देखिया पादोनी खूब करें ला सेल, आवेली सजनी टोंक में जाने कद सी रेल, अरे जोरा की सीटी मारती पटड़ी पर दौड़ी आसी, जोरा की सीटी मारती पटड़ी पर दौड़ी आसी, आड़ाऊ बागेला में हो जासी सूदी गेल, आवेली सजनी टोंक में जाने कद सी रेल, चकपक करती गाड़ी जब स्टेशन पर आसी, छकपक करती गाड़ी जब स्टेशन पर आसी, धक्का मुक्की हो वैली ना चली रे रेल मरेल, आवेली सजनी टूक में जाने कद सी रेल, गोरा गोरा डिब्बा आगे इंजन काड़ो आसी, गोरा गोरा डिब्बा आगे इंजन कालो आसी, मेल का डिब्बा कैसा गे होशी दो भी मेल, आवेली सजनी टोंक में जाने कद सी रेल, कमर पकड़ छोरा छोरी नाचेला बीच बाजार, कमर पकड़ छोरा छोरी नाचेला बीच बाजार, बालपना में खेलो जो हो जासी पूरो खेल, रावेली सजनी टोंक में जाने कद सी रेल, आस पास का नर नारी आवेला बनठन के, आस पास का नर नारी आवेला बनठन के, दे नाम नवेली सागे बन बैठेला छेल, आवेली सजनी टोंक में जाने कद सी रेल, साग बैठ या पादोनी खूब करें ला सेल, आवेली सजनी टोंक में जाने कद सी रेल। तो ये टोंक का सपना मैंने आपके सामने रखा और दुर्भाग्य है हमारा और टोंक का कि ये सपना आज भी सपना ही है। कई नेता आए और कई चले गए लेकिन ये सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। कब होगा ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मेरी एक रचना इस पर बनी और उसका शीर्षक बना तुम्हारे आंसू। जब कभी जीवन के अंदर ऐसे वक्त भी आता है हमारे सामने कि हम हमारी समस्याओं को पूरा नहीं कर पाते, तब एकांत में बैठकर दो आंसू बहाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। तो तुम्हारे आंसू, तुमने आंसू क्यों बहाए मेरा खून बह गया है, तुमने आंसू क्यों बहाए मेरा खून बह गया है, सुनकर दास्तां तुम्हारी दम घुट के रह गया है, सुनकर दास्तां तुम्हारी दम घुट के रह गया है, इंसानियत के दुश्मन दिल जला रहे हैं, इंसानियत के दुश्मन दिल जला रहे हैं, प्यार करने वाले सदमा उठा रहे हैं, प्यार करने वाले सदमा उठा रहे हैं, क्या मिल गया जमाने को तुम्हारा दिल दुखाने से, क्या मिल गया जमाने को तुम्हारा दिल दुखाने से, खुशियां कम नहीं होती अपनों में लुटाने से,
खुशियाँ कम नहीं होती अपनों में लुटाने से। वो गैर मेरे अपने हैं जो गम की दवा देते हैं, वो गैर मेरे अपने हैं जो गम की दवा देते हैं। वो अपने कहाँ अपने हैं जो जख्मों को हवा देते हैं। आंसू गिरा गिरा कर अरमान मत बहाओ, आंसू गिरा गिरा कर अरमान मत बहाओ। तुम रास्ते के पत्थर हिम्मत से सब हटाओ, तुम रास्ते के पत्थर हिम्मत से सब हटाओ। जीना है जिंदगी को हंस के जीना होगा, जीना है जिंदगी को हंस के जीना होगा। बेनाम मिले जहर तो उसको भी पीना होगा, बेनाम मिले जहर तो उसको भी पीना होगा। तो उसे क्षण जो आंसू मेरे बहे, मैंने जनमानस के सामने बहुत पहले ही रख दिए थे और लोगों के द्वारा सराहा भी गया। इसकी विपरीत दिशा प्रेम होती है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो निश्चल है और चलायमान भी है। कैसे प्रेम को आंका जाए, तो मैंने एक पहाड़े में प्रेम को ढूंढा। भगवान राम का जन्म नवमी को हुआ, कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ। अब आठ का अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे लगातार, आठ एकम आठ, आठ दून सोलह, तो सात हो जाएगा। ऐसे कृष्ण का चरित्र कहीं घटता है कहीं बढ़ता है, लेकिन राम का जन्म नवमी के दिन हुआ। नौ का पहाड़ा हम लें तो नौ में क्या विशेषता है, नौ एकम नौ, नौ दून अठारह, आठ एक नौ। अगर आप पूरा पहाड़ा पढ़ेंगे और उनको जोड़ करेंगे तो उनका योग नौ ही आएगा। मतलब समभाव जीवन राम का रहा। तो उसमें मैंने लिखा प्रेम का पहाड़ा। प्रेम का पहाड़ा नौ है, सीख जाइए आदि से अंत तक जोड़ नौ ही पाइए। प्रेम का पहाड़ा नौ है, सीख जाइए आदि से अंत तक जोड़ नो ही पाइए। नौ में नौ जोड़ते पाठ सीख जाएंगे, आप सीख लीजिए दुनिया को सिखाइए। नौ में नौ जोड़ते पाठ सीख जाएंगे, आप सीख लीजिए दुनिया को सिखाइए। निश्चय नौका बदल नहीं पाएगा, निश्चय नौका बदल नहीं पाएगा। नौ बनना चाहो तो खुद बदल जाइए, नौ बनना चाहो तो खुद बदल जाइए। प्रेम से प्रेम नौका नौ से नौ ही निभाएगा, प्रेम प्रेम नौका नौ से नौ ही निभाएगा। प्रेम सब अपना नौ सम बनाइए, प्रेम सब अपना नौ सम बनाइए। प्रेम से नौ जीना जीव को सिखाता है, प्रेम से नौ जीना जीव को सिखाता है। नौ की जिंदगी जी कर दिखाइए, नौ की जिंदगी जी कर दिखाइए। और जो ना निभा सको प्रेम ऐसा मत करो, जो ना निभा सको प्रेम ऐसा मत करो। प्रेम जो किया तो प्राण दे निभाइए, प्रेम जो किया तो प्राण दे निभाइए। प्रेम का अंक नौ प्रेम का पहाड़ा है, प्रेम का अंक नौ प्रेम का पहाड़ा है। बेनाम नित रट कर घृणा को मिटाइए, बेनाम नित रट कर घृणा को मिटाइए।